Today we are going to start a special type of motion known as projectile motion. जब किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल डायरेक्शन में किसी एंगल से हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल से फेंका जाता है तो साइमल्टेनियसली बोथ डायरेक्शन में मोशन करता है। दिस इज ओ पॉइंट रेफरेंस द कोऑर्डिनेट 0 0 x-axis and y-axis. किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से हम थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसमें ये इसका कंपोनेंट ux वेक्टर x कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट इज y वेक्टर। तो सपोज ये u वेलोसिटी u इक्वल टू ux प्लस uy, इसमें जो एक्सेलरेटेड होगा, जो एक्सेलरेटेड मोशन होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। तो उसको पहले अजम्पशंस क्या है, assumption first, air resistance is neglected, air resistance is neglected. Second, जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अंडर ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। तो सेकंड, कांस्टेंट एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। जैसे अगर ये रेफरेंस लाइन है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये ग्रेविटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा और इसके बीच में 90 डिग्री एंगल, तो g का जो इस साइड वाला कंपोनेंट होगा ये वर्टिकल एक्सेलरेशन ay, तो ay इक्वल टू g, और इसका इधर वाला कंपोनेंट g cos थीटा cos 90 डिग्री, और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी दिस इक्वल टू ax, तो ax इक्वल टू हो जाएगा 0. तो x एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू 0 होगी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। दिस इज सुपरपोजिशन ऑफ टू मोशंस, फर्स्ट इज अलोंग x डायरेक्शन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ constant velocity, and second is along vertical direction under gravity free fall, constant acceleration along horizontal direction constant velocity से motion करेगा, और along vertical direction constant acceleration से motion होगा। तो this is superposition of two motions.
अब इसमें ये जो मोशन करेगा अंडर ग्रेविटी, ये ऐसे मोशन करके और ये फिर इस पॉइंट को हॉरिजॉन्टल पॉइंट को टच करेगा। तो दिस पॉइंट इज सपोज, दिस पॉइंट इज ये OA इज हॉरिजॉन्टल रेंज, OA इज OA हॉरिजॉन्टल रेंज रेंज और ये मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट ट्रेवल, ये दिस डिस्टेंस इज मैक्सिमम हाइट, सपोज दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q, तो PQ मैक्सिमम हाइट। और ऑब्जेक्ट को रेफरेंस पॉइंट्स इस पॉइंट से यहां तक आने में जो टाइम लगता, फ्लाइट टाइम, दिस इज नोन एज फ्लाइट टाइम। फ्लाइट टाइम हो गया तो इसको तो ये कैसा ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा, जो प्रोजेक्टाइल मोशन, ये अंडर ग्रेविटी जो मोशन है, ये ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक, इसमें हमें फ्लाइट टाइम, रेंज और मैक्सिमम हाइट, इसका एक्सप्रेशन फाइंड करना। फ्लाइट जो काइनेमेटिक्स में जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग यूज करते हैं, वो वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशन में जब कोई मोशन होता है तो उसके लिए इक्वेशन होता है। इसमें टू डायमेंशन मोशन हो रहा, लेकिन टू डायमेंशन इसमें अलग, ये एक्स एक्सिस का मोशन, ये अलग डायमेंशन और ये अलग डायमेंशन, तो दोनों को ऐड करके टू डायमेंशन मोशन लिखा गया, u इक्वल टू ux प्लस uy, दिस टर्म। तो दिस इज वन डायमेंशन x एक्सिस के अलावा मोशन एंड दिस इज y डायमेंशन, वन दिस इज अदर वन डायमेंशन y एक्सिस के अलावा मोशन, तो इसका हम यूज कर सकते हैं फ्लाइट टाइम। जैसे हमें फ्लाइट टाइम मैक्सिमम हाइट का टाइम को जाने में जितना, ये कोई ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना टाइम ट्रेवल करता है, जितना टाइम लेता है और रिटर्न होने में भी उतना ही टाइम लगेगा, उसका रीजन है एयर रेजिस्टेंस नेगलिजिबल। तो उस कंडीशन में फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at, ये इक्वेशन यूज करेंगे। अब इसमें जो मोशन हो रहा है y डायरेक्शन, Vy equal to Ey और ये इस तरीके से लिख लेंगे। तो Vy की वैल्यू मैक्सिमम हाइट तक कोई ऑब्जेक्ट जाएगा तो इस जगह वेलोसिटी इसका जीरो हो जाए, जीरो इक्वल टू यू साइन थीटा, और Ay इक्वल टू माइनस जी, तो माइनस जी टी ये हो जाए। तो इस कंडीशन में t इक्वल टू u sin theta upon g, flight time to equal to 2t equal to 2u sin theta upon g, ऐसे लिख सकते हैं।
तो इसमें देख रहा है कि जो u इनिशियल वेलोसिटी थीटा एंगल प्रोजेक्टेड एंगल, तो ये जो फ्लाइट टाइम है डिपेंड्स ऑन u, फ्लाइट टाइम डिपेंड्स ऑन u थीटा, या इसको लिख सकते हैं फ्लाइट टाइम इज द फंक्शन ऑफ u थीटा एंड g। नेक्स्ट रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज ओ से एक्स के ये जो यहां तक आने में इतना डिस्टेंस फाइंड करना, इसके लिए हम क्या करेंगे हॉरिजॉन एक्स एक्सिस के अलोंग इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस कंडीशन में एस एक्स लिख देंगे यू एक्स और ये ए एक्स, तो इसमें एस एक्स की वैल्यू अगर हम इसको यू ए एक्स इक्वल टू ये जीरो होता। देखिए इसमें समझ सकते हैं इसका कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी जैसे इस जगह हम अगर इसकी वैल्यू देखेंगे तो यू यू कॉस थीटा, और इधर अगर ये तो इधर भी u cos theta, वर्टिकल ये u sin theta इस डायरेक्शन में, इधर अगर हम तो दिस u cos theta और ये डायरेक्शन डाउनवर्ड u sin theta, u sin theta ऐसे चेंज पर है, लेकिन u cos theta जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो ऑलवेज कांस्टेंट है throughout motion, ये range r equal to us की value u cos theta और इस जगह flight time t plus 0, तो r equal to u cos theta और t की value अभी find किए हैं 2u sin theta upon g। तो रेंज को हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, ऐसे ले सकते हैं। अब इसको ऐसे भी ले सकते हैं यू स्क्वायर टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन टू जी, ऐसे ले सकते हैं। रेंज इक्वल टू आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन टू जी लिख सकते हैं, दिस इज रेंज। उसके बाद इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर इक्वल टू यू साइन थीटा यू एक्स और इंटू यू वाई अपॉन जी, इस फॉर्म में भी ले सकते हैं। सेकंड थर्ड मैक्सिमम हाइट इसका एक्सप्रेशन फाइंड करना, तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या जाएगा फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन का ये जीरो हो जाएगा। तो इसमें मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये फॉर्मूला, और हर जगह वाई वाई ए वाई एस वाई पुट कर देंगे vy equal to 0 equal to ey की value u sin theta whole square minus 2g sy, sy की जगह maximum height h लिख देंगे, ये हो जाएगा u square sin square theta
अपॉन 2g इक्वल टू एच वेल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस कैन आल्सो रिटन एट दिस u y स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल टू हाइट इन दिस फॉर्म। इसका जो ट्रेजेक्ट्री है वो पैराबोलिक, तो पाथा प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। इसको प्रूव करना कैसे करेंगे, तो पहले इक्वेशन हम यूज करेंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर, ये इक्वेशन यूज करेंगे। इसमें y डायरेक्शन में y लगा देंगे, मोशन y डायरेक्शन में हो रहा है ये y लगा देंगे, x डायरेक्शन में कांस्टेंट मोशन हो रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस टाइम स्पीड में तो उसको ले सकते हैं x, सपोज x इक्वल टू ये s इक्वल टू u t प्लस हाफ एट स्क्वायर, ये फॉर्मूला फॉर x एक्सिस, तो सब जगह x लगा देंगे, x लगा देंगे, x लगा देंगे, ax की वैल्यू जीरो हमने बताया था आपको, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उस कंडीशन में एक्सीलरेशन अलोंग x एक्सिस जीरो, ये जीरो हो जाएगा, x इक्वल टू यू एक्स इनटू टी, ये फॉर्म बन जाएगा, तो t इक्वल टू x अपॉन यू एक्स इक्वल टू x अपॉन यू कॉस थीटा, हम ले सकते हैं। तो इसमें s y की जगह y कर देते हैं, y इक्वल टू यू साइन थीटा इनटू t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, t की वैल्यू हम इससे इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे तो y इक्वल टू u साइन थीटा, और t की वैल्यू पुट कर देंगे x अपॉन u कॉस थीटा माइनस हाफ g t स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ x स्क्वायर बाय g g स्क्वायर और ये sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा, y कोऑर्डिनेट इसमें इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, x tan theta minus half x square by g square sec square theta। अब ये इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, y equal to x into constant a minus x square into constant b, so y equal to ax minus bx square, a constant में क्या लिखेंगे, a equal to tan theta and b equal to sec square theta upon 2g, ये लिखेंगे। तो दिस शोज पाथा प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक।
नेक्स्ट क्लास में हम प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, उसमें इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन उसका इक्वेशंस कैसे फाइंड करते हैं, और इसमें एक्स एक्सिस का वेलोसिटी वाई एक्सिस का वेलोसिटी कंबाइन कर लेंगे तो वो मेन वेलोसिटी हो जाएगा।